हमारा आज का स्टे है एट फ्लैटीज एक्सप्रेस शिमला हिल लोकेटेड ऑफ जर्टन रोड लाहौर। Viewers, this is your host Ameer Hamta with yet another exciting program of Hotel for You. Viewers, आज का होटल बहुत ही स्पेशल है। आज हम चेक इन करने जा रहे हैं फ्लैटीज एक्सप्रेस में, which is just 1 kilometer away from the iconic फ्लैटीज होटल, जो कि 1880 से पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज दे रहा है। फ्लैटीज एक्सप्रेस कैसी हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करता है, क्या क्या सर्विसेज ऑफर करता है, ये सब हम जानेंगे अभी थोड़ी देर में। करते हैं सबसे पहले चेक इन, सो लेट्स गो। Fletty's Express has a room capacity of 113 and car capacity of up to 50 cars. The sitting capacity of the main lobby fits up to 8 people at a time. गुड आफ्टरनून फ्लैटीज एक्सप्रेस। गुड आफ्टरनून जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप मुझे बता सकती हैं कि इस होटल में हमें क्या क्या कैटेगरीज मिलती हैं रूम्स में? जी सर, बेसिकली हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिसमें सबसे पहले आता है डीलक्स किंग, ओके, डीलक्स ट्विन बेड ऑर्डर, डीलक्स स्वीट क्वीन ट्विन, एग्जीक्यूटिव स्वीट्स, और इसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव स्वीट किंग एंड सिंगल। ओके, काफी सारी कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले बेसलाइन कैटेगरी पे बात कर लेते हैं। ओके सर, सबसे पहले हमारे पास डीलक्स किंग है, वो बहुत स्पेशियस रूम है। हमारे पास नॉन स्मोकिंग है और इसके पास हमारे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट होता है जो कैफे डी ब्रांडों में होता है, और उसकी टाइमिंग है 6 to 10। ओके, फ्री वाईफाई है, और इसके अलावा हमारे पास फ्रूट बास्केट है, कॉम्प्लीमेंट्री है, और 2 वाटर बॉटल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, न्यूज़पेपर कॉम्प्लीमेंट्री है। ग्रेट, 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 ग्रेट। और मिनी बार भी है। जी सर, मिनी बार भी है। जबरदस्त, आई थिंक ऑलमोस्ट सब कुछ ही कवर कर रहा है आपका जो बेसलाइन रूम है। इसके बाद क्या कैटेगरी आती है? इसके बाद हमारे पास नॉनसीना डीलक्स, नॉनसीना ट्विन बेड। अगली कैटेगरी पे जाने से पहले हम बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, चार्जेस क्या है डीलक्स आपके डीलक्स किंग बेड के? डीलक्स किंग बेड के हमारे कौन से चार्जेस है, वो 9000 प्लस टैक्स है। 9000, ठीक है, नाइस। चले जी, अगली कैटेगरी पे चलते हैं। अगली कैटेगरी हमारे पास डीलक्स ट्विन बेड्स की हैं, ठीक है। ये हमारे पास बहुत ही स्पेशियस रूम है, और इसके बाद किंग साइज मैट्रेस बेड है, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास फ्री वाईफाई कॉम्प्लीमेंट्री और फूड बास्केट समथिंग वैसे ही है, और इसके बाद हमारे पास मिनी बार है, और आपका एज पर जोन सा कैजुअल होता है हमारा वो कैफे डी ब्रांडो में ब्रेकफास्ट होता है, वो जोन सा आपका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है जी सर। तो डिलक्स में और एग्जीक्यूटिव स्वीट में फर्क सिर्फ स्पेस का? जी सर। और कुछ एडिशनल ऑब्वियसली सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग एरिया होता है? जी सर। ओके ओके, ठीक है। और इसके क्या चार्जेस हैं? इसके 10000 प्लस टैक्स। इतना इतना कम डिफरेंस क्यों है दोनों रूम में? सर बेसिकली उस रूम में सिटिंग एरिया का डिफरेंस होता है और स्टडी टेबल होती है वहाँ। बिल्कुल ठीक है जी, ये तो बड़े आपके मुनासिब चार्जेस हैं आजकल जो इन्फ्लेशन के हालात हैं। तो इससे अगली क्या कैटेगरी है? सर इससे मतलब कि सेम कैटेगरी में एक और है जिसमें जो से ट्विन बेड्स हैं, टू सेपरेट बेड्स हैं, टू सेपरेट बेड्स आपको मिल जाते हैं, उसके चार्जेस? उसके चार्जेस 10000 प्लस टैक्स। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। इसके बाद क्या कैटेगरी आती है? इसके बाद हमारे पास स्वीट्स में आ जाता है डीलक्स स्वीट है क्वीन ट्विन, उसमें भी 2 सेपरेट बेड्स होते हैं, मगर हमारे पास जो से एक बेडरूम है ना उसका डोर लगा होता है, दूसरे भी इस वजह से नहीं लगा क्योंकि चिल्ड्रन वगैरह होते हैं वो अंदर से कहीं डोर लॉक ना कर ले अपना, इस वजह से सेफ्टी के लिए। जबरदस्त, वेरी नाइस जी। तो इसमें इस कैटेगरी में हमारे पास 2 रूम्स मिल रहे हैं जी, एक का डोर नहीं है जी, सही है, और सिटिंग अरेंजमेंट भी जी, सिटिंग सेटअप भी, लिविंग एरिया भी है, लिविंग एरिया भी, और स्टडी टेबल जी सर। वेरी नाइस। इसके क्या चार्जेस हैं? इसके चार्जेस हमारे पास 14000 प्लस टैक्स है। ओके ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और इसके बाद क्या कैटेगरी है? एग्जीक्यूटिव स्वीट आता है इसके बाद। एग्जीक्यूटिव स्वीट आता है जी सर। तो उसमें क्या फीचर्स हैं? एग्जीक्यूटिव स्वीट में हमारे पास बेडरूम तो होता है, उसके बाद लिविंग होता है, डाइनिंग टेबल होता है, इसमें डाइनिंग टेबल है और स्टडी टेबल भी है। ठीक है ठीक है।
तब लिविंग एरिया बड़ा, इसके चार्जेस 15,000 प्लस टैक्स हैं। ठीक हो गया, परफेक्ट है जी। तो चेक इन करते हैं फिर, क्या सजेस्ट करेंगी, किस रूम में हम चेक इन करें? सर आपकी ऑक्यूपेंसी कितना? ऑक्यूपेंसी तो मैं अकेला हूँ। आप अकेले हैं तो सर आप डीलक्स किंग आपके लिए बेस्ट है। चलें, परफेक्ट हो गया, ज़बरदस्त हो गया, चेक इन करते हैं। ओके सर, मैं आपको रूम नंबर दे रही हूँ 402। ओके सर, बहुत ही प्रेशियस रूम है, 4 बास्केट ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन लगी हुई है और 2 वाटर बॉटल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मिनी बार भी लगी हुई है। कमाल कमाल कमाल, बहुत अच्छा रूम है सर, ये प्लीज साइन कर दें अपने। Wow, the elevator looks absolutely fantastic. बहुत ही luxurious feels आ रही हैं इस elevator की। और आए भी क्यों ना, जब आप एक नई property में, fresher property में check in करते हैं तो फिर आपको यही माहौल मिलता है। Let's go. Oh, amazing. What a beautiful view. Viewers, आपको बताता चलूं, मेरे पीछे आपको यहाँ पे व्यू आएगा एजर्टन रोड का। और एजर्टन रोड जो है, इट्स वन ऑफ द फेमस रोड्स ऑफ लाहौर। यहाँ पर बहुत सारे लैंडमार्क्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैं बाबडा हाउस जो है वो यहाँ से देख सकता हूँ। और यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, फेमस प्रॉपर्टीज़ जो हैं, होटल्स जो हैं वो यहाँ पे सिचुएटेड हैं। नॉट ओनली अकोमोडेशन प्रॉपर्टीज़ बल्कि आपको यहाँ पे फेमस लैंडमार्क्स जैसे कि रेडियो पाकिस्तान, प्रेस क्लब, ये सारी की सारी लोकेशन जो हैं, दीज आर जस्ट 50 to 100 meters away from this property. और रेलवे स्टेशन जो है वो इस प्रॉपर्टी से सिर्फ और सिर्फ 2 kilometers away है। व्यूअर्स, फ्लैटीज एक्सप्रेस का जो रूम कॉरिडोर है बड़ा इंटरेस्टिंग है। और एक जो बड़ी डिफरेंट चीज़ लगी मुझे यहाँ पे, वो है यहाँ की रेड कारपेट फील। आपको लगता है जैसे आप किसी रेड कारपेट वॉक पे चल पड़े हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो वॉल हैंगिंग्स हैं वो आपकी बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे लगी हुई हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि वो शोकेस कर रही हैं यहाँ के टूरिज्म साइट्स को, यहाँ के हेरिटेज को, यहाँ के कल्चर को। और बहुत ही ज़बरदस्त फोटोग्राफी जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आई वेलकम यू ऑल टू माई रूम। व्यूअर्स, फ्लैटीज एक्सप्रेस शिमला हिल के डिलक्स रूम में इस वक्त हम दाखिल हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, रूम जो है उसकी लाइटिंग जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वार्म कलर टोन्स हैं इस रूम के, कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, डार्क ब्राउन और बेज टोन्स में आपको यहाँ का कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा, बहुत ही आई प्लीजिंग है। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ पे लगी, आपको यहाँ पे साइड टेबल्स पर लैंप्स नहीं मिलते, आपको वॉल माउंटेड लाइट्स मिलती हैं साइड टेबल्स पर। और बेड वॉल जो है वो अगेन क्विल्टेड बेड वॉल है और बहुत ही मज़े का डिज़ाइन है। इससे पहले हमने द आइकॉनिक फ्लैटीज होटल को कवर किया हुआ है और वहाँ और यहाँ सिमिलैरिटी ये है कि वहाँ पे आपको रिच कल्चर मिलती है और यहाँ पे आपको वो एनवायरनमेंट मिलता है। लेकिन एक और फ़र्क है, वो ये है कि ये बिल्कुल ही एक फ्रेश प्रॉपर्टी है, ब्रांड न्यू होटल है, वेयर एज फ्लैटीज जो है वो 1880 से बना हुआ है। व्यूअर्स, इस होटल में आपको एक यूनिक चीज़ देखने को मिलेगी, वो है यहाँ पे जो पेंटिंग्स हैं वो पाकिस्तान की ब्यूटी को डिपिक्ट करती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने कॉरिडोर में भी देखा था, हमने मेन लॉबी में भी देखा था कि पाकिस्तान की हेरिटेज बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी और पाकिस्तान की नेचर जो है वो आपको इन पेंटिंग्स में एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। ये जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का एक शॉट लगा हुआ है, बड़ा ही आई प्लीजिंग किस्म के जो हैं आपको यहाँ पे वॉल हैंगिंग्स देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, अब हम कर लेते हैं बेड कंफर्ट को चेक। ओह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल,
साइड टेबल की बात कर लेते हैं तो आपको बताता चलूं कि इस रूम का जो फर्नीचर है वो बड़ी विक्टोरियन लाइंस पर आपको ड्रॉन मिलेगा और साइड टेबल बड़ी यूनिक है इसकी क्योंकि आपको हैंडल नहीं मिलेगा साइड टेबल का। सो द सिचुएशन विद इट इज़ कि आप इसे प्रेस करेंगे और आपकी साइड टेबल ड्रॉर जो है वो खुल जाएगी। वेरी नाइस। व्यूअर्स, अब हम चाय का ऑर्डर प्लेस करने लगे हैं और देखते हैं कि हमें इस रूम में चाय कितनी जल्दी प्रोवाइड की जाती है। गुड आफ्टरनून जी, एक कप चाय भिजवा दें रूम में। थैंक यू। एंड द टाइम स्टार्ट्स। व्यूअर्स, जब तक हमारी चाय आ रही है क्यों ना हम वाईफाई टेस्ट कर लें, देखते हैं कि इस रूम में आपको इंटरनेट की सर्विस कैसी मिलती है। ओके, सो द स्पीड दैट वी आर गेटिंग हियर इज 4.35। फ्लेटीज एक्सप्रेस के डिलक्स रूम में आपको सिटिंग अरेंजमेंट में दो सोफाज मिलते हैं, उसके अलावा एक चेयर आपको मिलती है जो ड्रेसर के आगे पड़ी है जिसको आप यूज कर सकते हैं एज अ स्टडी एज वेल। कंफर्ट बहुत अच्छा है एंड आई जस्ट लव द मटेरियल, वेलवेट मटेरियल है एंड अगेन कलर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस रूम इज टू डाई फॉर। वेरी नाइस। Viewers, in 15 minutes, 47 seconds, my tea is here. Hello? व्यूअर्स, अब हम बढ़ते हैं इस रूम की मीडिया वॉल की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टेलीविज़न हमें मिलता है वो है अराउंड 43 इंचेस का। उसके बिल्कुल नीचे आपको रैक मिलता है लगेज प्लेस करने का। मीडिया वॉल के बिल्कुल साथ ही आपको यहाँ पे मिनी बार आइटम्स मिलते हैं, उसके अलावा आपको यहाँ पे रूम अमेनिटीज़ में चाय का सामान मिलता है और साथ आपको इलेक्ट्रिक केटल भी मिलती है और साथ ही दो मिनरल वाटर बॉटल्स मिलती हैं स्मॉल साइज़ में। मिनी बार आइटम्स देखते हैं, यहाँ पर हमें बहुत सारी ड्रिंक्स मिल रही हैं, फिजी ड्रिंक्स मिल रही हैं, 4 मिनरल वाटर बॉटल्स और हैं, जूसेस हैं और चॉकलेट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। फ्लैटीज होटल शिमला हिल के डिलक्स रूम के वॉशरूम में आपको ऑलमोस्ट सारी बेसिक अमेनिटीज मिलती हैं और वॉशरूम का साइज भी मुनासिब है। व्यूअर्स, अब हम जा रहे हैं कैफे डी ब्रांडो और वहां जाके हम लंच करेंगे और देखेंगे कि अला कार्ट में हमारे पास क्या क्या है वहां पे खाने को। लेट्स गो। व्यूअर्स, माई फूड इज़ फाइनली हियर। आपको बताना चलूँ कि कैफे डी ब्रांडो जो है वो बहुत कुछ ऑफर करता है, फ्रॉम बर्गर्स टू सैंडविचेस टू पिज्ज़ास टू पाकिस्तानी फूड टू चाइनीज़ फूड। मैंने ऑर्डर किया चिकन मंचूरियन एंड चिकन चाउमिन। स्टार्ट करेंगे हम मंचूरियन से और देखते हैं कि खाने का टेस्ट यहाँ पर कैसा है।
व्यूअर्स, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग कैफे डी ब्रांडोस फूड। हमने यहाँ से पहले भी खाना जो है वो टेस्ट किया है, और वो हमने किया था फ्लैटीज, जो 1880 से ऑपरेशनल है, द मेन ब्रांच। यहाँ का फूड भी इज वेरी मच ऑन पॉइंट, आई जस्ट लव इट, वेरी गुड। व्यूअर्स, चाउमीन जो है वो भी बहुत मज़े का है, चिकन चाउमीन बहुत फ्रेश है और टेम्परेचर बहुत मज़े का है इसका, वेरी टेस्टी। फ्लैटीज होटल शिमला हिल में आपको कॉन्फ्रेंस रूम्स की फैसिलिटी भी मिलती है और बैंक्वेट हॉल्स की फैसिलिटी भी मिलती है। व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जुल्कर नैन चौधरी, जो के जनरल मैनेजर हैं फ्लैटीज एक्सप्रेस के। सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू? आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट। सबसे पहले तो जुल्कर नैन साहब, मुझे ये बताएं कि फ्लैटीज एक्सप्रेस को किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे आप फ्लैटीज से, क्योंकि फ्लैटीज जो है वो यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर अवे है, तो क्यों लोग वहाँ नहीं आएंगे और यहाँ आएंगे? उसकी काफ़ी रीजंस हैं, लेकिन जो ऑन द टॉप कुछ वजूहात हैं कि वो हमेशा क्लाइंट फ्लैटीज के नाम के साथ जाना चाहते हैं, उनकी फैसिलिटीज़ के साथ जाना चाहते हैं, वहाँ पर जो कंफर्ट है, तो हमें ज़रूरत महसूस हुई कि वो हमेशा फुल हो जाता है और उसका जो लोड है वो इर्द गिर्द हमें दूसरे होटल्स में देना पड़ता है, और फिर लोग माइंड करते हैं कि हमने फ्लैटीज के नाम के साथ ही जाना है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि उसके नज़दीक हमें कोई एक अच्छे प्रेमिसेस, उसी लेवल की, उसी तरह जो रूम के स्टैंडर्ड्स हैं, उसी तरह स्पेशियस रूम्स जो हैं वो लेके क्लाइंट्स के लिए आने चाहिए। तो इट वाज द डिसीजन, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं। और ये प्रोजेक्ट है वॉर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का, जिसको ऑपरेट इंपीरियल होटल मैनेजमेंट सर्विसेज यानी कि फ्लैटीज ग्रुप ऑफ होटल्स करता है। जी बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं कि वैसे तो ये बहुत ही एक न्यू प्रॉपर्टी है, बिल्कुल रिसेंटली ये इस्टेब्लिशमेंट में आई है। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आप फ्यूचर प्लान्स किस तरह से देख रहे हैं, क्या हमारे जो विजिटर्स हैं आने वाले, उनको कुछ थोड़ा सा बताएं कि क्या आने वाले दिनों में यहाँ पे मज़ीद प्रोग्रेस होगी। हम ऑलरेडी जो हमारे पास स्पेशियस रूम्स हैं और उनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, हमारे पास डिलक्स रूम्स हैं, हमारे पास फैमिली स्वीट्स हैं, हमारे पास डिलक्स स्वीट्स हैं, हमारे पास एग्जेक्यूटिव स्वीट्स हैं, हमारे पास रेजिडेंशियल स्वीट्स हैं, हमारे पास इंटरकनेक्टिंग रूम्स हैं, उसके अलावा हमारे पास एक बैंक्वेट हॉल है जहाँ पे हम एट स्मॉलर स्केल पे वेडिंग्स अरेंज कर सकते हैं, हमारे पास कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, और हमारे पास टू केटर स्मॉलर मीटिंग्स बोर्ड रूम्स हैं। और जो हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं उसमें हम इसमें कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी का आंसर भी शामिल करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा 130 रूम्स का, ताकि यहाँ पे लोग आएँ और वो एंटरटेनमेंट के लिए कोई उनका एलिमेंट हो। हमारे पास जिम फ्यूचर प्लान्स में शामिल है, स्विमिंग पूल, रूफ टॉप के ऊपर जो रेस्टोरेंट्स है वो शामिल है, और एक बहुत ही यूएसपी जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने यहाँ पे एक स्ट्रीट बनाई है विद द नेम ऑफ एजर्टन स्ट्रीट, अच्छा, अलोंग विद एजर्टन लाउंज, क्योंकि ये होटल इज लोकेटेड ऑन द एजर्टन रोड, राइट। सो जस्ट टू एसोसिएट दैट हमने ये एक एलिमेंट इसमें शामिल किया। ओ, बिल्कुल, बल्कि हमारे सामने जो है एजर्टन रोड ही है, तो मुझे आप बता सकते हैं कि किस तरह से वो आपका जो पैसेज है, बिकॉज हमने वो नहीं देखा, तो आप हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि सामने हमारे एजर्टन स्ट्रीट है, तो किस तरह से कनेक्ट करेगी वो? बिल्कुल बिल्कुल, हम इस वक्त एट फोर्थ लेवल पे खड़े हैं, तो हमें बिल्कुल बड़ा क्लियर व्यू एजर्टन रोड का आ रहा है, और हमने उसी तरह ही उसको स्ट्रेट, एक हमारा कॉरिडोर है जो कि लीडिंग टू रूम्स है, तो वहाँ पे हमने इसको नाम दिया है एजर्टन स्ट्रीट का, और उसके साथ राइट साइड पे हमने एजर्टन लाउंज बना दिया। ओह जबरदस्त, जबरदस्त। वर्ल्ड ऑर्डर भी इसी तरह चल रहा है कि ग्रीन को ही प्रमोट किया जा रहा है। हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें फर्दर कि ये ग्रीन से आपका क्या मतलब है, एग्जैक्टली होगा क्या ग्रीन? ग्रीन वाशिंग का मतलब ये है कि आपने कंजर्वेशन की तरफ जाना है, वाटर कंजर्वेशन की तरफ जाना है, जैसे कि पानी की रिडक्शन हो रही है हर जगह पे,
पानी आने वाली जनरेशन के लिए हम छोड़ के नहीं जा रहे, ठीक है। उसके लिए उसके बाद फिर एनर्जी कंजर्वेशन होगी कि हमने कोई गैर ज़रूरी लाइट्स जो हैं वो ऑफ रखनी है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, और आने वाले दिनों में कोई ऐसे प्लान्स भी इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से आएंगे कि कैसे आप कस्टमर को अवेयरनेस दे सकते हैं कि वो इस एप्टीट्यूड और इस एटीट्यूड की कैरी करके होटल में दाखिल हो कि अगर उसको ग्रीन मार्केटिंग या ग्रीन कॉन्सेप्ट्स बताए जाएं तो वो पहले की तरह ये ना समझे कि ये कॉस्ट कटिंग है। ओके, ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। हमने एक वी विजिटेड वन ऑफ द होटल्स और उसमें कुछ उनका भी ऐसा ही विजन था और उन्होंने तो प्लांटेशन भी की हुई थी, तो हो क्या रहा था कि जो वेजिटेबल्स बनते थे वहाँ पे वो उसी होटल में बनते थे, उससे क्या हो रहा था कि जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है वो कॉस्ट ख़त्म होती थी। एग्जैक्टली, उस कॉस्ट ख़त्म होने का मसला नहीं है, मसला ये है कि जो आपकी पोल्यूशन क्रिएट होती है उस ट्रांसपोर्टेशन में वो नहीं होती थी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, मेरा ख्याल है द विजन इज़ परफेक्ट एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। डिनर में वी वेंट विद पाकिस्तानी क्यूजींस एंड द टेस्ट वॉज वेरी फाइन। फ्लैटीज एक्सप्रेस शिमला हिल में आपको ऑन डिमांड ब्रेकफास्ट बुफे का सेटअप भी मिलता है और आप कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट अपने रूम में भी अवेल कर सकते हैं। आई वेंट विद द ट्रेडिशनल चॉइस, ऑमलेट, ब्रेड्स, ऑरेंज जूस एंड टी। इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम हो रहा है ख़त्म। फ्लैटीज एक्सप्रेस में जो हमारा एक्सपीरियंस था वो ऑन पॉइंट था, फूड वॉज वंडरफुल, और भी यहाँ की जो सर्विसेज हैं, यहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी है वो ज़बरदस्त थी। हम इस प्रॉपर्टी को किस तरह से रेट करेंगे ये आप थोड़ी देर तक जान जाएंगे, पाकिस्तान के टूरिज्म पर और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान पर। और बेशुमार प्रोग्राम्स आप देखिए डिस्कवर पाकिस्तान पे। स्टे ट्यून्ड, सी यू नेक्स्ट वीक। खुदा हाफ़िज़। फ्लैटीज एक्सप्रेस शिमला हिल का ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारे लिए रहा 5 out of 7। फ्रंट डेस्क रिसेप्शन 4, होटल क्लेनलीनेस 6, फ्री वाईफाई 3, रूम क्लेनलीनेस 6, ब्रेकफास्ट क्वालिटी 3, रेस्टोरेंट क्वालिटी 5, स्टाफ 5, फैसिलिटीज 3, कंफर्ट 4, लोकेशन 5, वैल्यू फॉर मनी 4। फ्लैटीज एक्सप्रेस की ओवरऑल रेटिंग्स बनती हैं 4 स्टार्स, वेल डिजर्व्ड।